हेलो स्टूडेंट, इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू चैप्टर द चैप्टर इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसा आप देख पा रहे हैं चैप्टर के नाम को अगर हम देखें तो यहाँ दो टर्म है हमारे पास। द वेरी फर्स्ट टर्म इज ब्रीदिंग, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। सेकंड टर्म हमारे पास में हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, दैट मीन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस दोनों अलग अलग टर्म हमारे पास में होने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट टर्म विच वन ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग नाम सुनने के साथ हमारे ब्रेन में बनते हैं बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस कि ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग कैसे होता है, ब्रीदिंग की नेसेसिटी क्यों है। तो इन सबको समझने के लिए हम समझते हैं एक स्टोरी को। ब्रीदिंग को हम समझेंगे स्टोरी से, और स्टोरी में टू मेन कैरेक्टर्स हैं। द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज फूड, और द सेम स्टोरी द सेकंड कैरेक्टर इज एनर्जी। और यही हम नॉर्मली कर भी रहे हैं, मीन हम ओवरऑल फूड कंज्यूम क्यों कर रहे हैं, सो दैट वी कैन फाइंड वी कैन गेट द एनर्जी। तो फूड बॉडी में जाके क्या लिबरेट कर रहा है, एनर्जी। एंड एज आई सेड कि यहां हमारी स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर होने वाले हैं, फूड एंड एनर्जी। और इन दोनों कैरेक्टर को कहीं ना कहीं कनेक्ट करने वाला जो प्रॉपर टर्म हमारे पास में होगा, वो प्रॉपर टर्म हमारे पास में कौन बना, ब्रीदिंग। लेट्स सी ब्रीदिंग यहां प्रॉपर टर्म कैसे है, मेन रोल प्ले करता है कैसे। तो फर्स्ट हम इसको स्टार्ट करेंगे स्टोरी के फर्स्ट कैरेक्टर से, जो हमारे पास होगा फूड। लेट्स सी हाउ। तो जब भी कोई भी एनिमल या ह्यूमन फूड इंटेक करता है, तो फूड इंटेक होगा तो फूड कहां एंटर करेगा, आफ्टर इंटेकन फूड एंटर्स इनटू एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल में फूड का क्या होने लगेगा, डाइजेशन होने लगेगा। तो एलिमेंट्री कैनाल में एंटर फूड पर काम कर रहे हैं डिफरेंट एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स यहां फूड का क्या करते हैं, डाइजेशन। अब अगर हम यहां रुके और सोचें कि डाइजेशन में हो क्या रहा है, तो डियर स्टूडेंट डाइजेशन में क्या हो रहा है, फूड का जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंपल फॉर्म्स में। तो डाइजेशन इज अ प्रोसेस बाई विच द कॉम्प्लेक्स फूड फॉर्म्स कन्वर्ट्स इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो ओवरऑल डाइजेशन के बाद क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स फूड फॉर्म कन्वर्ट हो गया एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। अब ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म यहां कौन कौन से हो सकते हैं, इट कुड बी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड। सो ओवरऑल यहां तक की स्टोरी को एक बार वापस देखो, यहां तक क्या हुआ, सबसे पहले ह्यूमन ने क्या कंज्यूम किया, फूड इंटेक किया, फूड कंज्यूम किया, उस फूड का एंट्री कहां हो गया, एलिमेंट्री कैनाल में। और एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्टिव जूसेस ने फूड का क्या कर दिया, डाइजेशन। और डाइजेशन के प्रोडक्ट्स हमारे पास बन चुके हैं जो है एब्जॉर्बेबल फॉर्म, सिंपल फॉर्म, माइक्रो मॉलिक्यूल। कौन कौन से नाम है, टॉप मोस्ट एग्जांपल अगर हम ले तो वो यहां पर हो सकता है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, जैसा मैंने अभी भी कहा था एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो डेफिनेटली इन फॉर्म्स का अब क्या हो जाने वाला है, इन फॉर्म्स का हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। अब यहां अगर मैं कर देता हूं एक क्वेश्चन फ्रेम कि माना इन फॉर्म का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो एब्जॉर्ब होने के बाद सारे सब्सटेंसेस कहां पहुंच जाते हैं, एब्जॉर्ब होने के बाद सारे सब्सटेंसेस कहां पहुंचेंगे, या तो ब्लड में या तो लिम्फ में। दैट मीन अगर ये नाम एब्जॉर्ब हुए हैं तो ये भी कहां आ गए, ब्लड में आ गए, या तो कहां चले गए, लिम्फ में चले गए। अब ब्लड और लिम्फ इनको कैरी करके कहां पहुंचा देता है, सेल में। तो यहां तक की स्टोरी में आपने क्या किया, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स को एब्जॉर्ब करवा के फाइनली कहां ट्रांसफर कर दिया, सेल में। दैट मीन ये सारे नाम अब कहां एंटर कर चुके हैं, इनसाइड द सेल। अब अगर हम बात करें कि सेल अब इनका क्या करेगा, पहले ये नाम सेल के बाहर थे, ब्लड में थे, ब्लड में से किसी ने अपने काम में ले लिया या काम में लेना चाहता है, सेल यहां अपने अंदर इनामों को लेना चाहता है। तो सेल यहां पर क्या कर देगा, इनका करेगा इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन। जैसे ही ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड सेल के अंदर एंटर करेंगे, एज पर रिक्वायरमेंट इनमें से जो भी अवेलेबल होगा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनका क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन। सेल के अंदर हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब सेल के अंदर जो ऑक्सीडेशन हुआ क्यों हुआ, ताकि हमें क्या मिले, एनर्जी। याद करो अभी जस्ट कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर हमारे पास में। तो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज फूड, द सेकंड कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज एनर्जी। यानी हमारे पास फूड है, हमारे पास एनर्जी है, लेकिन यहां देखो फूड से एनर्जी लिबरेट कहां हुई है, सेल के अंदर। सेल के अंदर एनर्जी लिबरेट कब हुआ है, जब ऑक्सीडेशन हुआ है। और ये ऑक्सीडेशन हम ह्यूमन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये ऑक्सीडेशन हम ह्यूमन कब करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे। दैट मीन यहां ओवरऑल हुआ क्या, यहां ओवरऑल ये हुआ कि हमने ऑक्सीजन काम में लिया, हमने बनाना क्या चाहा, एनर्जी, लेकिन साथ में दो प्रोडक्ट और हमारे पास बन गए, CO2 एंड H2O। गैसेस पे फोकस करो, हमारी बॉडी ने, हमारी सेल ने कौन सा गैस काम में लिया, O2। और हमारी बॉडी ने, हमारी सेल ने कौन सा गैस बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, सब प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज कर दिया, CO2। अब हमारी बॉडी में CO2 भी है, हमारी बॉडी में O2 भी है, पर हमें करना क्या है, O2 हमें रखना है ताकि सेल उसको काम में लेता रहे, और CO2 को हमें यहां से हटाना है क्योंकि CO2 हमारे पास बन गया है वेस्ट। नाउ O2 एंड CO2 का जो एक्सचेंज हुआ, इनपुट आउटपुट जो हो रहा है, उसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। लेट्स सी हाउ। जस्ट सपोज यहां हमारे पास में है बॉडी, किसी भी एनिमल का बॉडी हमने लिया। अब इस बॉडी के जस्ट आउटसाइड यहां हमारे पास बन जाता है एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर। अब हमारे पास में दो नाम क्या बन गए हैं, एक तो बन गया ह्यूमन का बॉडी, और बॉडी के जस्ट आउटसाइड हमारे पास में क्या बन गया, एटमॉस्फेयर। अब क्योंकि हमें अभी जैसा हमने डिस्कस किया था, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो हम एटमॉस्फेयर से कंटिन्यू बॉडी में क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। अभी अभी जैसा मैंने डिस्कस किया था, ऑक्सीडेशन जब होगा तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो ऐसे में बॉडी में से हमने क्या रिलीज आउट कर दिया, CO2। या ध्यान देने वाली बात यह है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया गया और एटमॉस्फेयर को ही आपने वापस रिटर्न क्या कर दिया, CO2। मीन टू से गैस का एक्सचेंज आप किसके साथ कर रहे हो, एटमॉस्फेयर के साथ। और एटमॉस्फेयर के साथ जो गैस एक्सचेंज हुआ है, इस गैस एक्सचेंज को ही हम यहां पे नाम देते हैं ब्रीदिंग। तो ये जो गैस एक्सचेंज हो रहा है, ये हमारे पास क्या बना, ब्रीदिंग। एक बार मैं फिर आपको रिव्यू दे देता हूं कि यहां ब्रीदिंग क्यों हो रहा है, ताकि आपकी बॉडी में कंटिन्यू कौन पहुंचे, O2। O2 क्यों पहुंचे, ताकि वहां जाके वो फूड का क्या कर सके, ऑक्सीडेशन कर सके। और ऑक्सीडेशन जब होगा तो बाई प्रोडक्ट आपके पास में बनके कौन बना है, CO2। तो इसी वजह से हम यहां पे बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। किसमें यूटिलाइज करेगा, ड्यूरिंग इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन
of simple molecule like glucose, amino acid and fatty acid to derive energy. All over हमने क्या किया? Oxidation करते हुए या indirectly breakdown करते हुए glucose, amino acid, fatty acid को किसमें convert किया हमने? Energy में convert किया. अब इस energy के साथ जैसा हमने discuss किया था, byproduct भी बनेगा. कौन सा byproduct बनेगा? CO2. और CO2 को वापस कहाँ return कर दिया हमने? Atmosphere को. तो carbon dioxide, which is harmful, is also released during this catabolic process or during these catabolic reactions. अब अगर हम यहाँ बात करें कि oxygen लिया और CO2 दिया, तो it is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell have to be released out. या मैं फिर आपको बता रहा हूँ, oxygen हमने कहाँ से लिया? एटमॉस्फेयर से. रिटर्न में हमने एटमॉस्फेयर को क्या दे दिया? CO2. और एटमॉस्फेयर के साथ ये जो एक्सचेंज हुआ है, इसी एक्सचेंज को हम यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं? ब्रीदिंग. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर ये एक्सचेंज नहीं होता तो क्या ऑक्सीडेशन हो पाता फूड का? नहीं हो पाता, क्योंकि हम करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन जाएगा तो ही वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बॉडी या उसके सेल क्या करेंगे? फूड का कर देंगे ऑक्सीडेशन. दैट मीन अगर ब्रीदिंग हुआ है तो हमारी बॉडी क्या कर पाएगा? रेस्पिरेशन कर पाएगा. दैट मीन ब्रीदिंग इज अ मैन लीडिंग टर्म फॉर रेस्पिरेशन. दैट्स द रीजन डियर स्टूडेंट कि ब्रीदिंग इज कॉमनली known as respiration, क्योंकि respiration का very first main event कौन सा बना? breathing. उसके बिना क्या incomplete रह जाएगा? respiration. तो breathing is commonly called as या commonly known as respiration. Now अगर हम बात करें respiration, तो अब हम discuss करेंगे steps of respiration. respiration जो हो रहा है body में, उसके main step हमारे पास में है 3. very first external respiration, the second is internal respiration and the last one, the third one is cellular respiration. तो respiration के 3 main steps हमारे पास में कौन से होंगे? external, internal, cellular. देखें कैसे. very first यहाँ आपके पास में है atmosphere, यहाँ आपके पास में है लंग्स. अब लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में ये जो गैसेस एक्सचेंज हुआ है, जहां हुआ क्या? जहां एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कहां आ गया? लंग्स में. और लंग्स में से CO2 आपने कहां दे दिया? एटमॉस्फेयर को. इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. सो ये जो आपके पास बना है द वेरी फर्स्ट, ये हमारे पास बन जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. अब जैसा हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन के 3 स्टेप है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप आपने कौन सा समझा है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बाद ऑक्सीजन कहां आ गया था? लंग्स में. लंग्स से ऑक्सीजन कहां चला जाएगा? ब्लड में. और ब्लड इस ऑक्सीजन को कहां तक पहुंचा देगा? हार्ट तक. हार्ट पंप करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके कॉन्टेक्ट में आ जाता है? टिश्यू के कॉन्टेक्ट में आ जाता है. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के बीच में ये जो एक्सचेंज हो रहा है, एज यू कैन सी, यहां हमारे पास में है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां हमारे पास में है टिश्यू. इन दोनों के बीच जो एक्सचेंज हुआ, ये एक्सचेंज हमारे पास बन जाता है दिस एक्सचेंज. दिस एक्सचेंज इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन. सो ऑल ओवर अब तक क्या हुआ? फर्स्ट रेस्पिरेशन का स्टेप कौन सा हुआ? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. देन रेस्पिरेशन का कौन सा स्टेप हो गया? इंटरनल रेस्पिरेशन. तो फर्स्ट हुआ था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, देन हमने यहां पर सेकंड पॉइंट कौन सा किया? इंटरनल रेस्पिरेशन. अब इंटरनल रेस्पिरेशन में एक्सचेंज कहां हो रहा है? ब्लड एंड सेल या ब्लड एंड टिश्यू. तो सेल उस O2 को काम में ले लेगा, जो ऑक्सीजन आपने पहुंचाया है सेल तक, सेल उसको अब काम में लेगा. काम में क्यों लेगा? ऑक्सीडेशन करने के लिए. और इसी को हम नाम देंगे थर्ड स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, व्हिच इज सेलुलर रेस्पिरेशन. तो डियर स्टूडेंट, सेल के अंदर यहां जो रेस्पिरेशन हो रहा है, ये रेस्पिरेशन हमारे पास बन जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन. तो वेरी फर्स्ट, अब तक हमने ब्रीदिंग को क्लियर किया डेफिनेशन वाइज. देन आफ्टर हमने समझा कि ब्रीदिंग इज अ मैन लीडिंग टर्म फॉर रेस्पिरेशन. नाउ अब हम बात करेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स का जो करने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस या रेस्पिरेशन. ऐसा इसलिए क्योंकि एनिमल वर्ल्ड में इतने सारे एनिमल स्पीसीज हैं कि हम कभी ये नहीं सोच सकते कि सारे एनिमल के पास रेस्पिरेशन का मोड सेम हो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन सेम हो. डिफरेंट एनिमल्स के पास में होंगे डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन. नाउ टॉप मोस्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हो सकते हैं एनिमल के पास, वो हमारे पास में है यहाँ. लेट्स सी, अगर हम नंबर 1 बात करें कि अगर कोई एनिमल गिल्स काम में ले रहा है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फॉर रेस्पिरेशन, देन गिल की हेल्प से होने वाले रेस्पिरेशन को हम क्या नाम देंगे? गिल रेस्पिरेशन. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि गिल रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेंकियल रेस्पिरेशन. तो गिल रेस्पिरेशन इज सेकंडली नोन एज ब्रेंकियल रेस्पिरेशन. कैसे होगा गिल रेस्पिरेशन या ब्रेंकियल रेस्पिरेशन? तो डियर स्टूडेंट्स, गिल रेस्पिरेशन उन लोगों में होगा जिनमें गिल्स होते हैं. और गिल किन में होगा? एक्वेटिक एनिमल में. तो एक्वेटिक एनिमल एक्वा को, वाटर को जब माउथ से अंदर लेंगे, तो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन कहां एंटर कर रहा है? इन देयर बॉडी. फैरिंग्स के साइड बाई वाटर हो जाएगा सेपरेट, लेकिन ये वाटर अब इन स्ट्रक्चर के ऊपर से फ्लो करते हुए बाहर आ जाता है. तो वाटर बाहर आ गया है, बट किन स्ट्रक्चर के ऊपर से फ्लो करते हुए बाहर आया? गिल फिलामेंट के ऊपर से. दैट मीन गिल फिलामेंट के ऊपर से वाटर आया है बाहर. अब क्या हुआ? गिल में किसका फ्लो था? ब्लड का. वाटर में कौन था? ऑक्सीजन. तो ऐसे में ब्लड और वाटर के बीच में क्या हुआ? O2 CO2 का एक्सचेंज. और ये O2 CO2 का एक्सचेंज जो यहां हो रहा है, इस O2 CO2 के एक्सचेंज को ही हम नाम दे देंगे गिल रेस्पिरेशन या ब्रेकियल रेस्पिरेशन. नाउ नेक्स्ट, अगर हम बात करें, इफ एन एनिमल इज यूजिंग स्किन फॉर रेस्पिरेशन, देन द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. क्योंकि स्किन की हेल्प से जो रेस्पिरेशन होगा, उसके लिए कौन सा टर्म हमारे पास में होगा? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. लेट्स सी हाउ. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कौन करते हैं? जिनके पास में मॉइस्ट स्किन हो, जैसा देख पा रहे हो फ्रॉग. अब ये फ्रॉग एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, और एटमॉस्फेयर से कंटिन्यू विद द हेल्प ऑफ इट्स मॉइस्ट स्किन ये क्या एब्जॉर्ब करता रहेगा? O2. और लिटिल अमाउंट में यहीं से थोड़ा थोड़ा सा क्या डिफ्यूज होता रहेगा बाहर की तरफ? CO2. तो मॉइस्ट स्किन की हेल्प से फ्रॉग ने या अदर फ्रॉग लाइक एनिमल ने जो एक्सचेंज किया, जो रेस्पिरेशन किया, उसको हम यहां पर क्या नाम दे देते हैं? कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. नाउ इफ एन एनिमल इज यूजिंग लंग्स, तो ऐसे में लंग्स की हेल्प से जो रेस्पिरेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन. और पल्मोनरी रेस्पिरेशन का तो बेस्ट एग्जांपल आपके पास में कौन होगा? ह्यूमन, हम खुद. क्योंकि हमारे थोरैसिक चैंबर में क्या है? लंग्स प्रेजेंट है, क्योंकि उन्हीं के अंदर आपके पास में होगा एल्वियोलाई, जहां ऑल ओवर होने वाला है गैसियस एक्सचेंज. तो लंग्स की हेल्प से अगर एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी. नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रेकिया. ट्रेकिया हमारे पास में क्या है? कुछ एनिमल ऐसे हैं लाइक इंसेक्ट. अब इंसेक्ट की बॉडी में क्या हो रहा है? ट्रेकियल रेस्पिरेशन चल रहा है. ट्रेकियल रेस्पिरेशन कैसे चलेगा? इंसेक्ट की बॉडी में कुछ अपर्चर्स लेटरल साइड में होते हैं प्रेजेंस.
और इन अपर्चर्स को हम नाम देते हैं स्पाइरकल। इन स्पाइरकल से होते हुए कंटिन्यू अंदर कौन एंटर करेगा, गैस करता है एंटर। और ऐसे ही अदर स्पाइरकल से होते हुए गैस कहाँ निकल गया, बाहर। तो स्पाइरकल से होते हुए ट्रेकिया में गया और ट्रेकिया से बने ब्रांचेस, ये नेटवर्क आपके पास में जिस नाम से होगा दैट इज कॉल्ड एज ट्रेकियल रेस्पिरेशन। नाउ नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करें तो वो रेस्पिरेशन आपके पास में होगा बकल कैविटी। बकल कैविटी की हेल्प से जो रेस्पिरेशन हुआ दैट इज कॉल्ड एज बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। ये भी फ्रॉग में प्रेजेंट होगा। कैसे प्रेजेंट होगा कि फ्रॉग के बकल कैविटी में अंदर की तरफ ब्लड कैपिलरी का होगा हाई नेटवर्क। अब इस ब्लड कैपिलरी के हाई नेटवर्क के कांटेक्ट में जब गैस आएगा तो वहां क्या हो जाएगा, O2 CO2 का एक्सचेंज। वैसे में ऑल ओवर होगा क्या कि फ्रॉग अपना थोड़ा सा बकल कैविटी ओपन रखता है, जो भी गैस बकल कैविटी के अंदर गया वहां जो ऑक्सीजन था वो ब्लड में शिफ्ट होगा और ब्लड में जो CO2 था वो बकल कैविटी में हो जाएगा शिफ्ट। तो ये जो एक्सचेंज यहां हो रहा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के फॉर्म में जो हो रहा है बकल कैविटी में जो हुआ उसको हमने यहां नाम दिया बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। नाउ अब अगर हम बात करें कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो सकते हैं, लेट्स सी द फर्स्ट प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ फाइलम के जितने भी एनिमल्स हैं वो सबके सब एनिमल हमारे पास में है यूनिसेल्यूलर। अब उनका बॉडी कितनी सेल का बना हुआ है, सिंगल सेल का बना हुआ है। अब आप खुद सोचो जब बॉडी में सेल ही सिंगल है तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन वहां नहीं होना है। तो ऐसे में प्रोटोजोआ जो मोस्ट सिंपल है, आफ्टर दैट पॉलीफेरा, सिलेंट्रिका, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथ, एसके हेलमिंथ। डियर स्टूडेंट नंबर वन प्रोटोजोआ, टू नंबर सिक्स एसके हेलमिंथ तक के फाइलम के जितने भी स्पीसीज है, के जितने भी एग्जांपल है, उन सब के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा, एब्सेंट। क्योंकि ये लोग इतने सिंपल लोग हैं कि यहाँ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट है, दैट डजंट मीन कि रेस्पिरेशन एब्सेंट होगा, रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट। तो रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, बाय देयर जनरल बॉडी सरफेस। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट है बट रेस्पिरेशन होता रहेगा, कैसे होगा, बाय बॉडी जनरल सरफेस। कहां से कहां तक, प्रोटोजोआ टू एसके हेलमिंथ। नेक्स्ट फाइलम आपके पास में है एनेलिडा। एनेलिडा की रिगार्डिंग अगर हम देखें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपके पास में क्या होगा, मोस्क्यूटिकल। देन आफ्टर फाइलम आता है आर्थ्रोपोडा, विच इज द लार्जेस्ट फाइलम, द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा के कुछ लोग होते हैं इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा के ही कुछ मेंबर आपके पास में प्रॉन बन गए और आर्थ्रोपोडा के साथ ही रिलेटेड टर्म बन जाता है एरेक्निडा। ध्यान देने वाली बात यह है, एरेक्निडा इज अ क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा इज अ क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा एंड प्रॉन जो क्रस्टेशियन क्लास के साथ में है रिलेटेड। तो नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10 तीनों जो यहाँ सिक्वेंस में है तीनों ही ऑल ओवर है कौन, आर्थ्रोपोड। लेकिन जैसा हमने अभी डिस्कस किया था आर्थ्रोपोड इज द लार्जेस्ट फाइलम, तो यहाँ कई तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, लेट्स सी कौन कौन से। अगर हम इंसेक्ट की बात करें कुड बी कॉकरोच और सिल्कवर्म, इन इंसेक्ट्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपके पास में क्या बन गया है, ट्रेकिया। ट्रेकिया रेस्पिरेटरी ऑर्गन के फॉर्म में कैसे काम करेगा, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि इंसेक्ट की बॉडी में बॉडी सरफेस पर लेटरली कुछ अपर्चर्स प्रेजेंट हैं जिनको अभी हमने डिस्कस किया था कि द अपर्चर्स ऑन द लेटरल साइड ऑफ देयर बॉडी इज कॉल्ड एज स्पाइरकल। अब इन स्पाइरकल से होते हुए क्या होगा, इन स्पाइरकल से होते हुए कुछ वेजल्स, कुछ ट्यूब्स एंटर करेंगे बॉडी के अंदर। और ये जितने भी वेजल्स हैं बॉडी के अंदर जब एंटर करेंगे तो अंदर एंटर करने के बाद ये हो जाते हैं डिवाइड, और डिवीजन के बाद हर एक माइन्यूट ब्रांच डायरेक्ट चला जाता है टिश्यू के कॉन्टेक्ट। सो ऑल ओवर यहां हुआ क्या, ये फर्स्ट टर्म आपके पास में क्या बन गया, स्पाइरकल। स्पाइरकल जिस ट्यूब में ओपन कर रहा है ये ट्यूब आपके पास में क्या बना, ट्रेकिया। ये आपके पास में क्या बन गया, ट्रेकिया। ट्रेकिया के फाइन ब्रांचेस आपके पास में क्या होंगे, ट्रेकियोल। तो स्पाइरकल से एयर कहां जाएगा, ट्रेकिया में, ट्रेकिया टू ट्रेकियोल, और ट्रेकियोल से फाइनली एयर को कहां पहुंचा दिया गया है, टिश्यू में पहुंचा दिया गया है या सेल के कॉन्टैक्ट तक उसको पहुंचा दिया गया है। ये ट्रैक बना है ट्रेकियल ट्रैक, ट्रेकियल सिस्टम। तो यहां ऑल ओवर रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपके पास में कौन होगा, ट्रेकिया। लेट्स सी नेक्स्ट, अगर हम यहीं पे बात करें तो आर्थ्रोपोडा का सेकंड नेक्स्ट टर्म यहां पर गिवन है प्रॉन, और प्रॉन एक्वेटिक है तो डेफिनेटली वहां पर आपके पास में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन होगा, गिल। आर्थ्रोपोडा का गिवन टेंथ टर्म यहां आपके पास जो है वो सीक्वेंशियल नाम आपके पास बना एरेक्निडा, और एरेक्निडा में दो मेन टर्म आपके पास में है, कुड बी स्पाइडर और कुड बी स्कॉर्पियन। स्पाइडर और स्कॉर्पियन दोनों ही किसमें होंगे, डियर स्टूडेंट, एरेक्निडा क्लास के मेंबर्स हैं, और दोनों के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहां कौन होगा, बुक लंग्स। दोनों में ही कौन होगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन बुक लंग्स। नेक्स्ट अगर हम देखें सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन था, आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आपके पास बना मोलस्का। मोलस्का के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है एक कैविटी विच इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी। तो मोलस्का एनिमल्स की बॉडी में कौन सी कैविटी होगी, मेंटल कैविटी, और मेंटल कैविटी के अंदर अब जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो होगा गिल विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज टीनिडिया। तो नाउ वी कैन से कि मोलस्क में भी मोस्ट ऑफ एक्वेटिक होंगे और वहां टीनिडिया या गिल्स होने वाले हैं एज मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लास्ट फाइलम इनवर्टिब्रेट वाइज अगर हम देखें तो वो आपके पास होगा इकाइनोडर्मेटा। अब इकाइनोडर्मेटा के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो सकते हैं, लेट्स सी। मोस्ट ऑफ इकाइनोडर्म्स के अंदर डर्मल ब्रैंकाई होंगे प्रेजेंस एज मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब डर्मल ब्रैंकाई के अलावा अगर हम बात करें तो ज्यादातर लोगों में ट्यूब फिट भी प्रेजेंट होगा। यहां हमने दो नाम डिस्कस किए हैं इकाइनोडर्मेटा में, इकाइनोडर्मेटा में ऊपर डोर्सल साइड पर तो क्या प्रेजेंस हो गया, डर्मल ब्रैंकी मोस्ट ऑफ मेंबर्स में। इकाइनोडर्मेटा में ही वेंट्रल साइड पर आपके पास में क्या हो गया, ट्यूब फिट, और दोनों यहां क्या है मोस्ट ऑफ मेंबर्स के अंदर हो जा रहे हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बट एक स्पेसिफिक नाम अगर हम देखें विच इज ब्रिटल स्टार, तो ब्रिटल स्टार के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक और एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है विच इज जेनिटल बर्से। अब जेनिटल बर्से कहां है, वेंट्रल साइड पर स्टोमक के जो फोल्ड्स हैं वहां बीच बीच में प्रेजेंट होंगे जेनिटल बर्से। इकाइनोडर्मेटा के साथ हमने यहां एंड किया है इनवर्टिब्रेट। अब अगर हम कॉर्डेट साइड में देखें, वर्टिब्रेट्स को देखें, तो फर्स्ट मेन वर्टिब्रेट आपके पास में है पाइसिस, फिशेस, एक्वेटिक होंगे, एक्वेटिक होंगे तो यहां रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन जाने वाला है, गिल्स। नेक्स्ट एम्फीबिया, एम्फीबिया का लार्वल स्टेज क्योंकि एक्वा में है तो एक्वा में है तो ऐसे में लार्वल स्टेज के लिए वापस आपके पास में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन बन जाएगा, गिल। बट एम्फीबिया के जो एडल्ट्स हैं क्योंकि वो है टेरेस्ट्रियल तो इनमें गिल्स नहीं होता, तो फ्रॉग का जो एडल्ट फॉर्म है वहां लंग्स, स्किन या बकोफेरिंजियल कैविटी होने वाले हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। नाउ आफ्टर एम्फीबिया वर्टिब्रेट के लास्ट थ्री क्लास हमारे पास कौन कौन से रिमेनिंग है, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। ध्यान देने वाली बात यह है कि एम्फीबिया के केस में तो
एडल्ट स्टेज टेरिस्ट्रियल था बट लार्वल स्टेज एक्वेटिक था। बट अगर हम लास्ट थ्री क्लास देखें तो थ्री क्लास के सारे मेंबर आपके पास में कैसे होने वाले हैं? टेरिस्ट्रियल। जैसे कि फर्स्ट टेरिस्ट्रियल आपके पास में मैन कौन बना? रेप्टाइल। बर्ड्स सेकंड बन गया और थर्ड मैन आपके पास में क्या बना? मेंबर। अब क्योंकि तीनों के मैन स्पीसीज कहां पर है? जमीन पर है, टेरिस्ट्रियल है, तो इन तीनों ही के अंदर आपके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन के फॉर्म में कौन सा स्ट्रक्चर होगा? लंग्स आर प्रेजेंट देयर एज मैन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो चैप्टर में अब तक जो भी कंटेंट आपने लर्न किया है, समझा है, सीखा है, अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे वन बाय वन। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बिगिनर बॉक्स वन विद क्वेश्चन वन। एंड द क्वेश्चन फर्स्ट इज साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन टेडपोल लार्वा इज। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टेडपोल लार्वा में गैस एक्सचेंज का साइट कौन सा होगा? अगर फर्स्ट अगर हम यहाँ ध्यान दें तो हम सबको पता है कि टेडपोल लार्वा इज लार्वा ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग का लार्वा है टेडपोल लार्वा, लेकिन टेडपोल लार्वा कैसा होता है? एक्सट्रीमली एक्वेटिक। अब एक्वेटिक हुआ है अगर टेडपोल लार्वा, तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन होगा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन वहां होने वाला है गिल्स। देन इट मस्ट बी कि भाई टेडपोल लार्वा अगर हुआ है तो ऐसे में यहां पर ऑर्गन रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहां पर क्या माना जाएगा? गिल। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी सेकंड। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट इज। इंसेक्ट याद करें आर्थ्रोपोडा फाइलम से रिलेटेड है, और आर्थ्रोपोडा फाइलम से रिलेटेड इंसेक्ट में अगर हम देखें रेस्पिरेटरी ऑर्गन को, तो वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे पास होता है ट्रेकिया। ऐसा क्यों? क्योंकि इंसेक्ट के अंदर ट्रेकियल सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ट्रेकियल सिस्टम के फॉर्म में प्रेजेंट है। और ट्रेकियल सिस्टम का मेन फर्स्ट ट्यूब, मेन फर्स्ट वेसल या मेन फर्स्ट डक्ट है, वो आपके पास में यहां पर क्या होगा? ट्रेकिया। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ट्रेकिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर थ्री, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फ्रॉग आर। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे स्पेशली यहाँ मेंशन है फ्रॉग की बात है, अडल्ट स्टेज की बात हो रही है, दैट मीन हमें फ्रॉग के लार्वल स्टेज को टेडपोल स्टेज को यहाँ इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट अडल्ट स्टेज। अब अगर हम देखें तो अडल्ट स्टेज में जो फ्रॉग हमारे पास में है डियर स्टूडेंट, तो फ्रॉग के अगर हम सारे स्टेजेस देखें तो फ्रॉग के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे फोर टाइप ऑफ। लाइक एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ होगा गिल, बट फ्रॉग का गिल रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिर्फ कहाँ तक लिमिटेड है? ड्यूरिंग टेडपोल स्टेज। तो सिर्फ जो लार्वा स्टेज है टेडपोल स्टेज है, गिल सिर्फ वहीं तक फ्रॉग में होते हैं, लार्वल स्टेज में ही होते हैं। अगर हम फ्रॉग के अडल्ट स्टेज की बात करें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहां बन जाते हैं, इट वुड बी लंग्स और स्किन और बको फेरिंजियल कैविटी। तो अडल्ट फ्रॉग की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे पास कौन कौन से बने हैं? लंग्स आर देयर, स्किन इज देयर, बको फेरिंजियल कैविटी इज देयर। अब हमें ऑप्शन कौन से सर्च करने हैं यहां? लास्ट थ्री। नाउ लास्ट थ्री ऑप्शन आपको कहां दिखाई दे रहे हैं? अगर हम बी ऑप्शन को यहां से हटा दें तो ऐसे में लास्ट थ्री ऑप्शन आपको यहां मिलेंगे, लंग्स इज देयर, मॉइस्ट स्किन इज देयर, बकल कैविटी इज देयर। तो आंसर यहां होने वाला है थर्ड, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन वुड बी थ्री। नाउ नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन यहां देखें तो द क्वेश्चन इज गिवन बिलो दैट लिस्ट ऑफ एनिमल। और यहां एनिमल कौन कौन सा है? कॉकरोच, प्रॉन, स्पाइडर, फिशेज, फ्रॉग, अर्थवर्म, टेडपोल लार्वा, स्नेक्स। इतने सारे एनिमल्स हमारे पास में यहां है गिवन, और हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी आर रेस्पायर थ्रू गिल्स। इतने सारे टर्म्स में से कौन कौन से नाम यहां है जो रेस्पिरेट करेंगे थ्रू गिल्स? अब आप सोचो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेट कौन करते हैं? जो लोग जो एनिमल कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ अगर एक्वेटिक एनिमल को सर्च करें तो हम कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन को, किसको? गिल्स को। तो हमें ऐसे में देखना होगा सभी एनिमल्स को वन बाय वन। लेट्स सी, फर्स्ट यहाँ जो टर्म हमारे पास में गिवन है विच इज कॉकरोच। याद करें कॉकरोच के अंदर चैप्टर में अर्लियर हमने समझा था इंसेक्ट होने की वजह से कौन सा सिस्टम होगा? ट्रेकियल सिस्टम होगा, ठीक है। पर यहाँ टेरिस्ट्रियल है, एक्वेटिक नहीं हो रहा है, ऑल ओवर यहाँ पर आप कौन सा स्ट्रक्चर नहीं लेने वाले हो? गिल्स नहीं लोगे। तो कॉकरोच के केस में गिल्स एब्सेंट हो गया। अब अगर हम सेकंड एनिमल प्रॉन को देखें तो प्रॉन एक्वेटिक होगा और प्रॉन के अंदर गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस पूरे एनिमल के सीक्वेंस में फर्स्ट नाम हमने ढूंढ लिया है जिसके अंदर रेस्पिरेट करने के थ्रू कौन प्रेजेंट होगा? गिल्स प्रेजेंट होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगर हम देखें स्पाइडर, स्पाइडर में रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग प्रेजेंट होते हैं बुक लंग्स। फिशेज यहाँ है, फिशेज के अंदर अगेन हमारे पास क्या होगा? गिल्स आर प्रेजेंट देयर एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। आफ्टर दैट नेक्स्ट टर्म हमारे पास में है फ्रॉग, लेकिन क्योंकि फ्रॉग नाम यहाँ दिया हुआ है, फ्रॉग मीन नॉट बॉट टेडपोल स्टेज, लार्वा की बात नहीं हो रही है, फ्रॉग मीन अडल्ट फ्रॉग, अडल्ट फ्रॉग है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको गिल्स मिलने वाले नहीं है। नाउ द नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करें तो वो नाम हमारे पास में होगा अर्थवर्म, फाइलम एनेलिडा का मोस्ट फेमस एग्जांपल हमारे पास में बना अर्थवर्म। अर्थवर्म मॉइस्ट सॉइल के अंदर होगा, मॉइस्ट क्यूटिकल की हेल्प से रेस्पिरेट करता है, बट अर्थवर्म में भी ओवरऑल गिल्स नहीं होते, तो यहाँ भी हम गिल नहीं लेके चलेंगे। नाउ नेक्स्ट टर्म यहाँ हमें गिवन है टेडपोल लार्वा, अगेन टेडपोल लार्वा, लार्वा स्टेज ऑफ फ्रॉग, एक्वेटिक है, गिल्स यहां प्रेजेंट होंगे। यहां तक के नामों को अगर हम देखें एक बार वापस, तो फर्स्ट गिल के साथ हमें नाम कौन सा मिला? प्रॉन। सेकंड गिल के साथ कौन सा नाम मिला? फिश। थर्ड गिल के साथ नाम कौन सा मिला हमें? टेडपोल लार्वा। बाकी सारे रेस्ट ऑफ जो भी है उनमें गिल्स नहीं होंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो टोटल कितने एनिमल यहां है जिनके अंदर होगा गिल प्रेजेंट? थ्री। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड, थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो द क्वेश्चन इज रेस्पिरेशन थ्रू स्किन इज नोन एज। इसी चैप्टर में अर्लियर अभी कुछ देर पहले हमने समझा था कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग होंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन हो सकता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स हो सकते हैं। पर यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कोई एनिमल रेस्पिरेट करता है स्किन के थ्रू, तो रेस्पिरेशन के मोड को आप क्या नाम दे देते हो? तो क्योंकि स्किन के थ्रू हो रहा है तो द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी सेकंड, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें, द क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर्स इन कॉकरोच दैट आर सिमिलर टू नॉस्ट्रिल ऑफ ह्यूमन। तो क्वेश्चन इज आस्किंग कि ह्यूमन के जो नॉस्ट्रिल्स हैं
वी हैव टू नोस्टिल डाइराइनस कंडीशन, ठीक है। तो ह्यूमन के जो नोस्टिल है वैसे के वैसे कॉकरोच में कौन से स्ट्रक्चर है एप्लीकेबल या कौन से स्ट्रक्चर है जो वैसा ही काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात हम यहाँ अगर करें कि नोस्टिल हमारे अंदर कर क्या रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट यहाँ नोस्टिल टिप के पास टू अपर्चर प्रेजेंट है दैट आर एक्सटर्नल नोस्टिल। इसी तरीके से अंदर भी हमारे पास प्रेजेंट होंगे टू अपर्चर्स विच आर इंटरनल नोस्टिल। और नोस्टिल होते हुए एयर कहाँ मूव करेगा, अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ या फिर हम कहें प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरफ, लंग्स की तरफ करेगा मूव। कॉकरोच में अगर हम देखें कि ऐसे कौन से अपर्चर्स हैं जिनसे होते हुए एयर मूव इन करता है मूव आउट करता है, तो वो नाम हमारे पास बन जाता है स्पाइरकल। लेट्स सी हाउ। कॉकरोच के केस में ये बना हेड, दिस इज थोरेक्स एंड दिस इज एब्डोमेन, क्योंकि इंसेक्ट है और इंसेक्ट की बॉडी कितने डिवीजन में डिवाइडेड होने वाला है, थ्री में। हेड इज देयर, थोरेक्स इज देयर, एब्डोमेन इज देयर। अब अगर हम इंसेक्ट की बात करें, है ना, नॉट स्पेशली अबाउट द कॉकरोच, इंसेक्ट की बात अगर हम करें, सो इंसेक्ट की बॉडी में बॉडी की लेटरल साइड पर यहाँ कुछ अपर्चर्स है प्रेजेंट एंड दीज अपर्चर्स आर कॉल्ड एज स्पाइरकल्स। ध्यान से सुनिएगा, इन अपर्चर को हमने यहाँ क्या नाम दिया, स्पाइरकल। और यही वो स्पाइरकल है जिनसे अब अंदर की तरफ ट्यूब एक्सटेंड होंगे एंड द ट्यूब्स आर कॉल्ड एज ट्रेकिया। The tubes are called as trachea. Now, इसी में अगर हम बात करें तो जल्दी ही ये trachea हो जाएंगे डिवाइड। Now, अब बन गए हैं वापस से कुछ fine tubule. तो यहाँ जो red colored fine tubule बने, वो tubule क्या बन गए हैं आपके पास, tracheole. And this is the important point कि यहाँ हर एक tracheole जो है वो सीधा सीधा हो रहा है connect organs के साथ, tissues के साथ। Mean to say, air यहाँ से direct कहाँ पहुँचाई जा रही है, organ तक, cell तक, that is tracheal system. अब आप अगर सोचो कि tracheal system की starting कहाँ से हुई, air ने कहाँ से अंदर entry किया, so the term is spiracle. तो हम लोगों में nostrils के through air in होगा, insects के अंदर, cockroach के अंदर, spiracle के through air जाने वाला है inside the body. Now the next question अगर हम देखें, the question is a process by which we intake oxygen rich air and expel out CO2 rich air is known as. एक वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल कर रहे हैं और CO2 रिच एयर को हमने क्या किया, एक्सपेल। अब आप सोचो आपने ऑक्सीजन कहां से लिया, एटमॉस्फेयर से। CO2 रिच एयर कहां दे दिया, एटमॉस्फेयर को। सो ओवरऑल आपकी बॉडी ने एटमॉस्फेयर के साथ क्या कर लिया है, गैसियस एक्सचेंज कर लिया है। और एटमॉस्फेयर के साथ होने वाले गैस एक्सचेंज को हम क्या नाम देते हैं, ब्रीदिंग। क्या नाम देंगे, ब्रीदिंग। तो ये जो ओवरऑल इनहेल एक्सहेल हो रहा है, इंटेक ऑफ O2 या फिर एक्सपेलिंग ऑफ CO2, ये यहां पे बन जाएगा ब्रीदिंग। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन